ग्वालियर थाटीपुर इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी के शोरूम में घुसकर तीन लोगों ने कर्मचारी को पीटा और गले में रखे रुपए लूट ले गए। इस मामले में थाटीपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन यह भी सामने आया है कि जिन लोगों ने मारपीट और लूट की वह शोरूम संचालक के परिचित ही हैं। इस मामले में दो आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और तीसरे आरोपी की पूछताछ में लगी हुई है, उसकी भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाटीपुर थाना सीएसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि थाटीपुर इलाके में राहुल ढमोले का इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शोरूम है। उसके यहां राम अवतार सिंह प्रजापति नाम करता है। बीते रोज शोरूम पर धीरज शर्मा, रमेश सोनी और भास्कर गुप्ता आए। इन लोगों का राम अवतार से मुहवाद हो गया। इसके बाद उसकी मारपीट की और गले में रखे रुपए लूट ले गए। यह लोग नशे में बताए गए हैं। इसके बाद कर्मचारी ने शोरूम संचालक को सूचना दी। कुछ देर बाद यहां पुलिस पहुंची। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। तीनों शोरूम संचालक के परिचित ही बताए गए हैं, फिर भी इस मामले में लूट और मारपीट की एफआईआर कराई है। पुलिस ने इस मामले में रमेश सोनी और भास्कर गुप्ता की गिरफ्तारी कर ली है और धीरज शर्मा की तलाश की जा रही है। जल्दी धीरज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ब्रजकांत पारा सर। ये कहाँ से आए? जी ग्राम दौलागढ़ से। थाना कौन सा लगता है? सुभाष प्रधान। क्या समस्या लेके आए? जी समस्या यही है कि हमारे ताऊ लोगों ने जो है सब चालाकी पूर्वक बंटवारा कर लिया है, जिसमें हमारे पिताजी को बुलाया नहीं गया था और उनके फर्जी दस्तखत करके उनको एक जमीन का टुकड़ा दिया है, लेकिन वो टुकड़ा है जिसमें हमारे ट्यूबवेल नहीं है और जिस जमीन के टुकड़े में अपना ट्यूबवेल है वो टुकड़ा उन्होंने अपने नाम करा लिया उन्हीं में से एक ने। तो इस तरह के मैटर चल रहे हैं और उसमें ये लोग हमें धमकी भी दे रहे हैं कब्जा छोड़ने की। मेन मैटर ये है कि हम वो जमीन लेने ही नहीं चाहते जो जमीन इन्होंने हमारे नाम की है। हमारी तो सहमति है ही नहीं इस सब में, लेकिन फिर भी पटवारी ने चढ़ा दिया है। क्या कर सकते हैं, हमने काफी कार्रवाई की है, कोर्ट में भी कार्रवाई की है, सब कार्रवाई की है, लेकिन अब इस समय पर क्या पिताजी भी हमारे हताश हो चुके हैं, वो भी अब मानसिक तौर पर परेशान है काफी। तो इस सब चीजों के चक्कर में ये सब आवेदन लगाने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूं यहां पर। आपने एक उल्लेख किया है आपके पूर्वजों के प्रति, तो क्या कुछ ये भी पूरा मामला? जी वो पूर्वजों वाला मामला नहीं है, ये क्या है, हमारे पांच भाई थे पिताजी, तो उनमें से जो बीच के भाई थे वो सन्यासी हो गए आज से करीब 25 साल पहले या 30 साल पहले। तो जो सन्यासी हो गए तो उनके पास स्थान है काफी, 3-4-5 स्थान है, तो काफी पैसा वैसा भी है। तो ये क्या है कि साधु होने के बाद आखिरी समय में अपने जन्मभूमि पर आ गए। कायदे से तो सन्यासी को आना नहीं चाहिए, लेकिन वो आ गए जन्मभूमि पर या फिर उनको लेके आए हमारे ताऊ लोग जो हुई। उनमें से हमारे दो ताऊओं ने जो है उनका जो भी अष्ट धातु की प्रतिमा है, एक स्वर्ण की है, छत्र वगैरह है और बादमा की ये वर्तमान वगैरह है, तो सब ये भी अपने कब्जे में लिए बैठे हैं। और कैश वगैरह तो उसका तो कोई हमें अंदाजा है नहीं, लेकिन बिल्कुल होगा। अगर जी हम तो यही चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं जैसे आश्रम की या तो वहाँ पहुँचाएं या फिर गवर्नमेंट को जमा करें। फायदे से तो उनका रखना बनता नहीं है, क्योंकि इससे भी क्या एक तरह से द्वेष भावना आदि चीजें पैदा होती हैं समाज में। ये सब चीजें भी एक तरह से क्या है मान्य नहीं है, एथिक्स के तौर पर मान्य नहीं है।